जय गुरु जी जय गुरु जी महाराज शुक्राना गुरु जी महाराज संगत जी जुड़ जाइए मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी पूरी संगत को जय गुरु जी गुरुजी गुरु जी महाराज का जो मुझे आज इस सेवा के काबिल समझा जय गुरु जी ओके जय गुरु जी आंटी ठीक है मैं स्टार्ट करूं कोई गलती हो तो मुझसे माफ़ करना आ, संगत जी आ, जैसे कि लाइफ चल रही थी और पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ऐसा लगता था जिंदगी में जैसे कि पंद्रह दिन तो अच्छे गुजरते थे पंद्रह दिन बहुत अच्छा लगता था पंद्रह दिन बहुत लो फील होता था हाँ नवरात्रे आते थे, थे तो बहुत अच्छा लगता था कोई गणेश जी पूजा होती थी तो वो अच्छा लगता था नहीं तो फिर बहुत मन खराब रहता था बहुत एनर्जी ऐसे लगती थी लो रहती है तो मैं सोचती थी क्या कहाँ जुड़ूँ क्या करूँ जो हमेशा ही ऐसा ही रहे ये एनर्जी ऐसी ही रहे जैसे हमेशा रहती है जैसे जब कोई पूजा पाठ होती है घर में तो अच्छा लगता है ये एनर्जी ऐसी ही बनी रहे तो ऐसा हुआ कि आ, काफ़ी दिन से मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि आ, आ, सब ये कहते हैं कि आ, भाई किसी एक से जुड़ना चाहिए और मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी आई थी तो वो बोल रही थी उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि देखो वो राधा कृष्ण की बहुत भक्त हैं तो उन्होंने बोला वो अपने ठाकुर जी के बारे में बता रही थी तो मैं मन मन में सोच रही थी शायद ये इसलिए बता रही है कि हो सकता है कि मैं भी इन्हीं के चरणों में मतलब वो हो जाऊं और शायद से ऐसा कुछ हो जाए तो उन्होंने मेरे को लेकिन बहुत ही उसमें कहा कि देखो एक किसी किसी एक से जुड़ना चाहिए वो बात मुझे बहुत लगी और मैं ढूंढ तो रही थी तो गुरुजी महाराज को तो सब पता होता है तो एकदम से एक दिन मेरे अंकल की ऑफिस के कुलीक हैं एक संगत है तो उन्होंने अंकल को मैसेज किया 25 जुलाई को उन्होंने मैसेज किया पहला मैसेज था उनका कि दादू आप गुरुजी के बारे बारे में जानते हैं तो आ, बोली ये बोले नहीं इन्होंने मुझसे बोला कि आप वही सेम मैसेज आंटी ने मुझे भी किया तो मैंने कहा हाँ जी मैं जानती तो हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जानती तो बोली अच्छा फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने हमें जूम सत्संग से कनेक्ट कर दिया था तो अंकल का रूटीन बन गया कभी वो सुनते थे कभी नहीं सुनते थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रेगुलर सुनना शुरू कर दिया था और मेरा तो फोन में आ, मतलब सीरीज चलती रहती थी जूम कुछ कुछ मतलब अदर एक्टिविटीज चलती रहती थी जैसे कि यूट्यूब देख लिया कोई मूवी देख ली बट ये सब मैं देखती जरूर थी पर मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता था कुछ खालीपन है फिर वो शुरुआत तो अंकल ने कर दी फिर धीरे धीरे मेरे भी कानों में थोड़ा सत्संग पढ़ने लगा तो ज्यादा तो नहीं सुन पाती थी क्योंकि ये सत्संग सुनते थे मैंने लीड लगानी अपने कान में और अपना कुछ कुछ सुनते रहना फिर कभी कभी धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा सुन लेती थी मेरे को बहुत पर हाँ मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो ये सत्संग सुनते हैं नहीं तो ये भी सब हम अपना अपना कुछ कुछ फ़ोन लेके बैठे रहते थे तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बीच में मैं भी कभी कभी सुनती ही थी तो एक दिन मैंने इनसे कहा कि दर्शन के लिए चलते हैं तो श्राद चल रहे थे तब तो हम गए नहीं फिर हमने तपस्या आंटी से बोला कि भाई जो इनकी कुलीग आंटी हैं तो कि भाई हमें ना स्वरूप चाहिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है उन्होंने अरेंज करवाया तो हमारे घर के नज़दीकी एक रीना आंटी से उन्होंने हमें कनेक्ट किया बीना सॉरी बीना आंटी से कनेक्ट किया तो हम स्वरूप लेने चले गए सात सितंबर था और उन्होंने आठ के लिए बोला था कि आठ तारीख को ले जाओ ट्यूसडे वाले दिन तो मुझे थोड़ा यह था कि हाँ ये महाशिव है तो वैसे वो कहते हैं गुरुजी तो कहते हैं वहम नहीं करना चाहिए लेकिन बुद्धि तो ऐसी है धीरे धीरे सुधरेगी तो फिर भी मैंने हिम्मत करके ये तो कह दिया क्योंकि पहले मुझे ये लग रहा था पहले ही श्राद्ध चल रहे हैं और नरातों में ले आते स्वरूप लेकिन चलो कोई बात नहीं अंकल सत्संग सुनते थे रेगुलर तो इनको ये उस चीज़ से ना बहुत कनेक्ट हो गए थे और ये रूल्स भी फॉलो करने लग गए थे कि गुरु कहते हैं कि वहम में नहीं पढ़ना चाहिए तो मैं चुप करके मैंने कहा टोका टाकी नहीं करते हैं मन में चल रहा था बट इन्हें नहीं बोला फिर मैंने इतना तो जरूर बोला कि नहीं आप ना आ, आ, आप हमें मंडे को दे दो आंटी आज ही दे दो मंडे था उस दिन तो कहती चलो ठीक है उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया बोले ठीक है ठीक है आ जाओ आ जाओ फिर हम सिक्स थर्टी के करीब गए लेने के लिए और हम जाने लगे ज़्यादा घर से दूर नहीं था आंटी का घर लेकिन एक जगह थोड़ा सा रास्ता हम भूले तो एक अंकल आए उनसे रास्ता पूछा उन्होंने इतने प्यार से रास्ता बताया इतने प्यार से रास्ता बताया और जब हमने समझ लिया फिर गाड़ी बैक करने लगे फिर आके बेटे इधर से ऐसे जाना है ऐसे जाना है तो अब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे कि गुरुजी के रूप में कोई ऐसे प्यार से हेल्प करने के लिए मतलब कि भाई हाँ, इधर उधर भटके ना बच्चे नहीं तो आज के टाइम में कौन इतना प्यार से और कोविड टाइम चल रहा था सब एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते थे कि, कि किसी से मतलब नजदीक आके बात ना करें तो स्वरूप आ गया संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि स्वरूप आया तो जैसे कि मेरा फेवरेट कलर येलो है अब तो गुरु जी का हर एक स्वरूप से इतना प्यार हो गया लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं थी आ, तो लेकिन हाँ ये मुझे अंदर से विश्वास है और उनकी शक्ति उनकी महिमा पे मैंने कभी शक नहीं किया क्योंकि मुझे ये विश्वास शुरू से था कि हाँ मतलब कुछ है तो महान शक्ति जो लोग इनसे इतना जुड़े हुए तो स्वरूप लाए हम फिर हम पहले फोल्डियर स्वरूप था ऐसे गोल करके उन्होंने कैलेंडर की तरह ऐसे गोल करके हमें रैप करके दिया था और हमने आके उसे मंदिर में रखा तो देखते ही मुझे इतना प्यार हुआ स्वरूप से तो मैंने कहा आ, फिर अंकल को भी ऐसा लगा कि अभी फ्रेम कराना है नहीं तो हमने सोचा था और मैं मन मन में सोच रही थी कि ना नवरातों में हो जाएगा फ्रेम तो कोई बात नहीं आ गए तो कोई बात नहीं नवरातों में करा, करा लेंगे तो लेकिन एकदम से मैंने कहा नहीं नहीं अभी चलते हैं ये भी फिर हम भागे भागे गए और हाँ हम गए थे ना तो और ज़्यादा तो कुछ हमें नहीं पता था पर बच्चों को कह के गए थे कि गुरु जी महाराज आएंगे तो वेलकम जरूर कर देना तो दोनों बच्चे खड़े थे कि गुरु जी वेलकम गुरु जी वेलकम तो उसके बाद फिर हम फ्रेम कराने के लिए गए फ्रेम कराने के लिए गए थे तो स्वरूप तो फोल्डेड था और अंकल ने हमने उसको फ्रेम वाले को कहा कि हम भैया ये जो है ना हमें आज कराना और हम इसको ना आपके पास छोड़ेंगे नहीं बोले अभी चाहिए करे हाँ अभी दे दोगे तो ठीक है तो उसने खोला भी नहीं कुछ किया भी नहीं और कहता गुरु जी का तो मैं तो वहीं पे शॉक्ड हो गई थी मैंने कहा आपको कैसे पता है? चला कहते जी मुझे पता है कि ये गुरु जी महाराज का स्वरूप है मैंने कहा वाह तो स्वरूप आया हम एक डेढ़ घंटा हमने वेट किया वहीं घूमते रहे और फिर हम उसको लेके आ गए तो संगत जी आया स्वरूप मिनट से पहले वो लग गया और फिर मैंने उसकी फोटो वगैरह खींच के मेरी फ्रेंड आंटी है तो उनको भेजा और जिन आंटी से हम लेके आए थे उनको भेजा तो मेरी फ्रेंड आंटी ने बोला कि क्या बोलते हैं ना तो इनके आगे ना जल प्रसाद रख देना तो मैंने कहा कि आ, मैंने कहा मंदिर में ना एक लोटा रखा है जल का ठीक है वो जल प्रसाद हो जाएगा और मैंने कहा भाई मैं इतना वो नहीं करूँगी वहम नहीं करूँगी ठीक है आ गए हैं गुरु अच्छी बात है और मैं बस इतना काफ़ी है तो आ, आ, तो उसने भी बेचारी ने फिर बोली चल ठीक है हाँ हाँ वो तो ठीक है फिर उसने कहा चाय प्रसाद भी रख देना तो मैंने उसको तब तो हाँ कह दिया और मन में सोचा कि इतना सब नहीं करूंगी कल को आज करूंगी और कल को नहीं होगा तो वहम आएगा तो संगत जी एक बात है जैसे ही स्वरूप लगा ना तो मन मन में ऐसा लग रहा था ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसे स्वरूप लग गया या कुछ है ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरु जी आके बैठे हुए और और इतनी हेजिटेशन मन में कि मैं उनके सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और जैसे कि घर में तो हम किसी भी ड्रेस में घूमते हैं और चेंज करके भी कुछ भी पहन लेते हैं जैसे तो नाइट ड्रेस भी पहन लेते हैं तो मुझे इतनी ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई महान आ, आत्मा या महान पुरुष आ गए हैं और गद्दी पे विराजमान है और मैं इनके सामने ऐसे थोड़ी जाऊंगी तो बच्चे भी सहमे सहमे मुझे ऐसे लगे जैसे बच्चे भी चिल्ला रहे तो मुझे ऐसा लग रहा चुप रहो ना है और मतलब तो मेरी बेटी ने पूछा कि आपको गुरुजी में क्या वो लग रहा है तो क्या खास है तो वो क्वेश्चन तो गुरु जी का तो सब कुछ ही खास है बट बच्चा है वो एट क्लास का उसको समझ नहीं आया पर ये मैं समझ गई थी कि वो कुछ कहना चाह रही है मैंने कहा आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो कहती मम्मा ये ऐसे लगता है गुरु जी की ना प्रेजेंस महसूस होती है मैंने कहा जय गुरु जी मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है गुरु जी ने तो बच्चों को तो पहले ही अपने चरणों से लगा रखा है फिर क्या हुआ कि मैं जाके लेट गई साढ़े ग्यारह थे मन में वो श्राद्ध का वहम तो चल ही रहा था और फिर उन्होंने कहा कि आ, फिर मैं लेट गई जाके तो क्या लेटी लेटे मन में सोचा कि शाद है और ये है वो मन में वहम चल रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं जल प्रसाद के लिए कहा है तो मैं जल प्रसाद तो रख देती हूँ मैं उठी मंदिर से एक छोटा सा आ, छोटा सा ग्लासी थी पीतल की वो निकाल के मैंने रख दिया जल प्रसाद चलो जी दो तीन दिन बीत गए फिर हम सत्संग जूम पे सुन रहे थे तो सत्संग जूम पे सुन रहे थे तो कहते हैं ना कि हर सत्संग में हमें एक मैसेज मिलता है और वो हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए ही है और कई बार तो ऐसा था पूरा सत्संग नहीं सुन पाते लेकिन कोई एक लाइन ऐसी क्लिक होती है कि बाद में पता चलता है कि ओहो हो ये तो हमारे लिए ही है तो उस दिन मैं ऐसे ही किचन विचन क्लीन करके जूम पे सत्संग चल रहा था तो मैं ऐसे ही राउंड लगाने गई तो हस्बैंड ने स्पीकर पे ही कर रखा था फोन तो मैंने सुना उसमें आ रहा था कि भाई गुरु घर आए हैं तो उनको चाय प्रसाद रख दो भोजन प्रसाद रख दो है अब वो हमारे घर में साक्षात साक्षात विराजमान है वो बाद मुझे ऐसी क्लिक करी फिर मैं लेट गई मन मन में मैंने सोच लिया था कि कल से मैं जल चाय प्रसाद भी रखूंगी और अच्छा हमने अंकल ने और मैंने आपस में डिस्कस नहीं किया रात को मैं सुबह उठी फटाफट मैंने नहाई धोई और अंकल पूजा करके किचन की तरफ आए तो चाय बन चुकी थी तो मैंने तो मन में सोच रखा था कि मैं चाय बनाऊंगी और मैंने डाली नहीं थी उसी में ही थी और अंकल आ गए तो अंकल कहते हैं मैंने चाय डाली नहीं थी और मन में था कि मैं चाय दूंगी और आपस में हमने डिस्कस नहीं किया था तो इधर से पूजा करके अंकल आया अंकल कहते हैं गुरु कह रहे हैं मेरी चाय कितें है मैंने कहा जय गुरु मैंने कहा हाँ मैंने ये सोचा ही था आज से चाय प्रसाद रखेंगे तो संगत जी इस इस चीज़ से मुझे ये समझ में आया कि जैसे जब हम किसी को किस, कनेक्ट करते हैं गुरु जी से तो कई बार हम डरते हैं कि ये लोग पता नहीं गुरु जी को ठीक से इनकी सेवा करेंगे या नहीं मतलब ऐसे मन में विचार आता है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब गुरु जी के साथ जब कोई इंसान कनेक्ट हो जाता है तो गुरु जी अपने आप ही जो सेवा उससे लेनी है या जो उसको उनको अच्छा लगता है वो अपने आप होता चला जाता मुझे इस चीज़ से ये मतलब लगा कि भाई हाँ उसके बाद चाय प्रसाद का रूटीन बन गया फिर धीरे धीरे मुझे ना खाने का भी लगा कि नहीं मुझे खाना भी रखना है तो संगत जी मैं हर बात ज्यादा बड़ी तो नहीं है जैसे कई लोग होंगे जो टेस्ट करके नहीं बनाते हैं लेकिन मेरी ऐसी आदत थी कि मैं हर चीज चक्के बनानी हर चीज़ चक्के बनानी बेशक हाथ धो लेती थी फिर पर मैंने कहा नहीं आज से मैं गुरुजी महाराज के लिए प्रसाद बनाऊंगी जो भी रोटी प्रसाद सब्जी प्रसाद ऐसे तो मैं कभी भी टेस्ट नहीं करूंगी और मैं संगत जी रो, रोज जैसे खाना बनाती तो मैं उनका भोग लगा के लगाने चली जाती और मैंने टेस्ट करना बंद कर दिया जब मैं टेस्ट करती थी तब भी इतना अच्छा एक्यूरेट नहीं बनता था संगत जी और जब बिना टेस्ट के मैंने बनाया तो वो इतना एक्यूरेट बनता क्योंकि उस पर गुरु जी का आशीर्वाद रहता था तो ये तो आ, स्वरूप से लेके हुआ कि भी कैसे कैसे क्या हुआ संगत जी जब आ, स्वरूप आया उस टाइम पे Uh, मेरे डैडी की तबियत ठीक नहीं थी और uh, स्वरूप आया उसी दिन uh, पापा को, uh, को उसे एक दिन पहले ही वो पोस्टेड कैंसर डायग्नोज हुआ था तो uh, हमारी तो छोटी बुद्धि है और uh, मैंने बहुत ज्यादा सत्संग भी नहीं सुने थे तो मैंने अपने मन में सोचा था गुरुजी इस टाइम पे इसलिए आए हैं शायद डैडी को कुछ हो जाएगा ना तो वो मुझे संभाल लेंगे शायद इनका इनका इस टाइम पे आना यही यही हो सकता है क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मन मन में ये बात चल रही थी लेकिन ये बात मैंने अंकल से भी शेयर नहीं की थी बट फिर थोड़े दिन बाद हाँ उसके बाद फिर हम बड़े मंदिर गए मत्था टेकने तो मत्था टेकने गए उस टाइम पे दर्शन खुले नहीं थे और हम बाहर से ही आ गए थे क्योंकि हमारे पहले दर्शन थे बाहर से तो मैंने हाँ वो आंटी ने बोला कि कुछ ले जाना वो गाड़ी से भी ब्लेसिंग मिल जाती है तो मैं दाल प्रसाद और रोटी प्रसाद लेके गई थी और मत्था टेक के आई वहां पे और आते वक्त पहले मैं घर आई घर आके अपने पापा के लिए मैं वो प्रसाद पैक करके और उनके पास लेके गई जल प्रसाद था दाल प्रसाद और रोटी प्रसाद तो संगत जी जैसे पोस्टेट कैंसर तो डायग्नोज हो गया था लेकिन एक और तकलीफ पापा को बहुत रहती थी वो कहते थे मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा कटन सी महसूस होती है कुछ इतनी अनइजीनेस रहती है कि वो मैं डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाता कि वो चीज क्या है उससे पापा बहुत परेशान रहते थे तो वो प्रसाद हमने पापा को खिलाया तो शाम को और हमने उनको विश्वास दिलाया अंकल ने अच्छे से कहा के और कोई दिक्कत नहीं होगी अब आप ठीक हो जाओगे तो बोले बोले हाँ जी और उन्होंने माथे के लगा के प्रसाद खा लिया शाम को हमने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है और क्या तो कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या बात है प्रसाद का समझूं या क्या समझूं आज मेरा पेट नहीं कर कटरा तो मुझे तो पता था कि ये किसकी महिमा है और ये सब क्या हो रहा है और पर पापा ने यह चीज़ महसूस करी कि प्रसाद खाने के बाद और इवन हम शायद एक दो बजे तक उनको प्रसाद खिला के आए थे और चार पाँच बजे ही उन्होंने ये बोल दिया था कि वो शॉप पे जाते हैं उनका अपना बिजनेस है तो वो शॉप पे जा रहे थे उसी टाइम उन्होंने हमें बताया था कि भाई मुझे आज वो चीज़ महसूस नहीं हुई तो हमें मतलब इतना अच्छा लगा और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि कृपा तो गुरु जी करते ही हैं और मैंने फिर उनको मंत्र जाप गुरु जी की का स्वरूप उनके फोटो फोन में भेजा और मैंने कहा कि बस अब आप मंत्र जाप करो और इन पे विश्वास रखो तो वो बोले ठीक है उसके बाद क्या था कि पेट स्कैन होना था उनका तो कि भाई वो देखना था कि भी कितना स्प्रेड हुआ है अंदर बॉडी में तो नहीं चला गया है तो संगत जी उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और ये आया कि बस उसी एरिया में थोड़ा सा पोस्टरेट है पोस्टरेड में ही कैंसर है और अदरवाइज और सारा कहीं भी नहीं गया तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी उसके बाद फिर उनकी रिकवरी हुई और फिर उनका पोस्टेट का ऑपरेशन हुआ और रोबोटिक सर्जरी हुई उनकी और अभी वो ठीक है थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कत तो है लेकिन आ, वैसे उनके उनको वैसे कोई तकलीफ नहीं है और आगे जो भी है वो गुरुजी महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी मेहर करेंगे फिर उसके बाद संगत जी मैन एक दिन दिन में ऐसे ही बैठी बैठी और सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी ने बोला कि मेरी तबीयत खराब थी और मेरे पास कोई भी नहीं था तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन देते हैं मोर के रूप में अपनी संगत को ऐसे ब्लेस करते हैं तो कहती है कि बटरफ्लाई आई और मेरे तुलसी जी के गमले में आके बैठी और बहुत देर बैठी रही तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो कहाँ बटरफ्लाई दिखेगी यहाँ तो इतना सारा पॉल्यूशन है और चलो गुरु महाराज अपने चरणों से जोड़ लिया ये मुझे पूरा विश्वास है अच्छा संगत जी मुझे गुरु जी की शक्ति पे कभी भी शक नहीं हुआ पर हाँ जैसे संगत बोलती कि वो वो खुद चुनते हैं तो मैं ये जरूर सवाल पूछती थी उनसे कि सच में आपने मुझे चुन लिया मैं इस लायक हूं तो ये सवाल मेरे मन में बहुत चलता था तो मैं कहती थी गुरुजी महाराज मुझे बस इस बात का ये आ, मतलब साइन दे दो कि सच में आपने मुझे चुन लिया तो अपने चरणों से जोड़ लिया चरणों से जोड़ने वाला भी एक ये है कि मैं शुरू शुरू में जब सत्संग सुनते थे कि गुरुजी से मांगना नहीं है और ये तो मैं मन मन में सोचती थी अब गुरुजी से मांगना भी नहीं है तो इनसे बोले क्या फिर एक दिन एक सत्संग सुना उसमें ये लाइन किसी ने बोली कि बस गुरुजी से यह अरदास करो कि अपने चरणों से जोड़ लो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि हाँ सच में ये बोल सकते हैं नहीं तो किसी भी मंदिर वंदिर में जाते हैं और मत्था टेकते हैं और अपनी चीज मांग के आ जाते हैं तो गुरु जी से तो मांगना नहीं है तो अब क्या कन्वर्सेशन होगी गुरु जी से तो कि भाई गुरु जी महाराज अपने चरणों से जोड़ लो फिर बटरफ्लाई की बात बता रही थी तो उन्होंने संगत ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे तो मैंने कहा गुरु जी महाराज यहाँ तो बटरफ्लाई दिखेगी नहीं पर कोई बात नहीं वहम नहीं करते और आ, कोई बात नहीं मुझे नहीं दिखेगी तो भी मेरा विश्वास आपके ऊपर पूरा है तो संगत जी एक दिन सेकंड टाइम जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तब भी दर्शन बाहर से ही थे अंदर खुले नहीं थे खुले दर्शन अंदर से दर्शन अलाउ नहीं थे उस टाइम बाहर से ही हम मत्था टेकने आए थे तो घर से गाड़ी निकली और थोड़ी दूर गई और करीब करीब हमारे घर से 45 मिनट्स का रास्ता है गुरु जी का बड़े मंदिर का 45-50 मिनट्स संगत जी हर पाँच मिनट में हर दस मिनट में हर पंद्रह मिनट में इतनी बटरफ्लाई के दर्शन हुए इतने दर्शन हुए कि गुरुजी ने तो बस पूरा अच्छे से दर्शन देके दिल को खुश कर दिया और थोड़ा ये विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी ने हमें अपने चरणों से लगाया है तो जब वापस आए तब भी फिर संगत जी अट्ठाईस सेप्टेम्बर को आ, मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ था नहीं उनतीस को ऑपरेशन हुआ था भाभी जी का और मैंने अट्ठाईस को ही शिव पुराण शुरू कर दी थी मैं जब भी फोन खोलती थी तो कोई कोई संगत ऐसे बोलती थी कि शिव पुराण गुरुजी कहते थे कि कहते हैं कि पढ़ो गुरुजी कहते हैं कि पढ़ो तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि शिव पुराण मेरे यहां आठ नौ महीने से रखी हुई थी तो पर यह है कि मुझे इस बात की खुशी है कि आठ नौ महीने से मैंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं पर अब मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैंने शुरू करी है तो उस चीज की मुझे बहुत खुशी थी मेरे अंदर से आया कि नहीं ये मैसेज मेरे लिए है तो मैंने अपनी शिवपुराण अट्ठाईस सेप्टेम्बर से स्टार्ट कर दी थी उनतीस सेप्टेम्बर को मेरी भाभी का भी ऑपरेशन हुआ यूटरस रिमूव हुआ तो मम्मी ने बोला कि तूने तो शिवपुराण शुरू कर दी और अब उनतीस को तेरी भाभी का ऑपरेशन है तो तू तू तो नहीं आ पाएगी मैंने कहा कि मम्मी नहीं ऐसे कोई वहमों से मैंने स्टार्ट नहीं करी है कि मैं ऐसे पढ़ूंगी ऐसे पढ़ूंगी गुरु जी कहते हैं कि भाई सेवा भी करो और जब टाइम मिले तब पढ़ लो तो अट्ठाईस के बाद तो उनतीस से तो भाभी के उस हॉस्पिटल के चक्कर में हॉस्पिटल जाना पड़ा तो अट्ठाईस को थोड़ी सी पढ़ के मंडे था शायद उस दिन तो थोड़ी सी पढ़ के और उनतीस से फिर मेरा हॉस्पिटल में सुबह के टाइम जाना सॉरी सुबह के टाइम जाना शुरू हो गया तो मैं रात को आठ नौ बजे आती थी और आने के बाद शिवपुराण पढ़ती थी चार दिन बाद भाभी डिस्चार्ज हो गई अच्छा भाभी जब ओ से आई तो उनको बहुत पेन हो रहा था जैसे पेन किलर का असर खत्म हो रहा था तो उनका दर्द बहुत बढ़ता जा रहा था तो मैंने क्या किया फोन में मंत्र जाप लगा दिया और उनको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था तो जैसे ही मैंने मंत्र जाप लगाया तो वो लेट गई क्योंकि मैं भी बहुत घबरा गई थी मैंने कहा कि ऐसे टाइम में अभी ओटी से निकले हुए आधा एक घंटा भी नहीं हुआ अब भी अगर इन्होंने वॉमिटिंग करी तो इनको तो बहुत पेन होगी तो मैंने वो लगा दिया उनको वॉमिटिंग नहीं हुई रात में जाके कहीं वॉमिटिंग हुई वो भी हल्की सी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब मैं दिन में जाके मंत्र जाप लगाती थी ना क्योंकि रात में उनकी मम्मी रहती थी तो जय गुरु जी उनके मंत्र में इतनी शक्ति है कि उनको ज़्यादा तकलीफ होने नहीं दी और वो अब बिल्कुल ठीक है उसके बाद जैसे चार पांच दिन बाद तो जब भाभी हॉस्पिटल चली गई थी तो मैं दिन में घर में ही फिर मैं घर में रहने लगी तो मैं सोचती थी अब रात में ही शुरू कर दूंगी जैसे दिन में अपना काम कर लिया करूंगी तो साढ़े दस के करीब मैं बैठी हुई थी खिड़की से बटरफ्लाई आई और वो जहां मैं अभी बैठी हूँ यहाँ विंडो है तो यहाँ पे ही वो बटरफ्लाई ऐसे घूमने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी कह रहे हैं कि भाई आप दिन में शुरू करो तो संगत जी उसके बाद तो ऐसा हो गया कि शिवपुराण गुरु जी और बटरफ्लाई मतलब ऐसा चाव सा चढ़ जाता था कि काम खत्म हो गया और अब बैठना है तो आ, अच्छा आ, मैं अब यह भी नहीं कह सकती थी कि ओ दिख तो जाती है क्योंकि मैंने तो खुद ही कहा था कि कहाँ बटरफ्लाई दिखती है आज के जमाने में कितने साल हो गए मुझे सत्रह साल हो गए इसी खिड़की में इसी बालकनी में मुझे आज तक बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए पर गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब इतने दर्शन दिए क्योंकि वो चीज़ के लिए मैंने मना किया था तो उन्होंने मतलब मुझे दर्शन दे दिए संगत जी उसके बाद जैसे कि मैं कह रही थी बार बार कि भाई नौरातों में लेके आना था नौरातों में लेके आना था तो अच्छा जब न स्वरूप सात सितंबर को आया था तो मैं बार बार कर रही थी कि नौरातों में आना था तो जब मैं गुरुजी के सामने आती थी ना तो मुझे ऐसा हो गया था गुरु कह रहे थे पागल है क्या क्या सोच रही है अभी भी कितना वहम कर रही है तो फिर मैं नौरातों की बात बताती हूँ नौरातों में आ, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ना मुझे भी स्वरूप ला के दो तो हमने आंटी को बोला कि आंटी स्वरूप और हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ हैं तो हम चले गए तो जब मैंने मैं जब शिवपुराण पढ़ रही थी तो उस टाइम पे संगत जी चौथे दिन के पाँच छः दिन के बाद ही मुझे जब मैं लेटने के लिए गई तो लेटने के लिए गई तो आ, आ, उन्होंने गुरु जी ने जो चिनार के पत्ते वाला जो गुरु जी का चोला है हल्का स्काई से पर्पल से कलर का और हाथ ऐसे करके वो बैठे हुए वो उस चोले में मुझे और जैसे मैं शिवपुराण जिस आ, आ, जैसे बैठ के मैं पढ़ती हूँ उसी आ, आ, जैसे वैसे बैठी हुई, हुई हूँ और मैंने आंख बंद कर रखी है और मेरे बॉडी में शिवरिंग होती है मुझे स्वप्न में ऐसे दर्शन हुए और ऐसे बैठी हो तो जैसे बॉडी में शिवरिंग हो रही है और एक पर्दा सा हटा और फिर मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे ऐसे पर्पल चोले में और फेस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था पर जैसे तीर का जो केस होता है जिसमें तीर डालते हैं वो पर उसमें मोर के पंख हैं तो मुझे ना पाँच छः दिन बाद ऐसे दर्शन हुए पर मैंने सोचा कि नहीं नहीं ऐसे ही होगा पर वो वो दर्शन मुझे रोज याद आए रोज याद आए तो जब नवरात्रों में मेरी सास ने बोला कि भाई स्वरूप मुझे चाहिए तो हम वो स्वरूप लेने के लिए गए तो आंटी तीन स्वरूप लेके आई थी एक बहुत छोटा था और दो और थे तो हमने वो दो और ले लिए जब दो दूसरा लिया तो मैंने कहा हाँ इसी में ही तो गुरु जी ने दर्शन दिए मुझे तो संगत जी फिर वो स्वरूप तो मैंने रख लिया वो तो मैंने आज तक भी किसी को नहीं दिया क्योंकि उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए और दूसरा स्वरूप हमने अपनी सास को दे दिया जब अंकल जा रहे थे मम्मी के पास लेके उस स्वरूप को तो अंकल कह रहे कि मेरे भी स्कूटी के आगे बटरफ्लाई और बटरफ्लाई तो कहते हैं कि गुरुजी ने ऐसे मेहर करी तो जय गुरुजी, जी गुरुजी। गुरु जी जब हम आ, तीसरी बार बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे हाजिरी लगी मंदिर खुल गए थे हमने बुकिंग करी और हमारे हमें दर्शन हुए वहाँ पे जाके खुले मंदिर बड़ा मंदिर खुल गया था तो संगत जी वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे तो ऐसी हाजिरी लगी कि उसके बाद मेरे को घर में आने के बाद पहले सत्संग का किसी आंटी ने मुझे बुला लिया क्योंकि लॉकडाउन था कोई सत्संग कर नहीं रहा था लेकिन मैंने एक दो आंटी से कहा था कि अगर कहीं भी हो अगर ज़्यादा संगत ना हो तो प्लीज मुझे बुला लेना जरूर तो वो बोली ठीक है तो जब एक आंटी के यहाँ पहला सत्संग हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया और उस दिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी काफ़ी मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने अंकल से कहा कि कोई नहीं आप चले जाना क्योंकि हमें बड़ा मन था कि हम देखें कि कैसे मतलब सत्संग होता है और क्या होता है तो मैंने गुरु से कहा गुरु महाराज मेरा बहुत मन है आने का आ आपकी इच्छा तो अंकल चले गए बोले ठीक है मैं जाता हूँ और अंकल को किसी थोड़ा सा कुछ काम था और उसके बाद बोले मैं नीचे के नीचे ही चला जाऊंगा तो इन्होंने थोड़ा अपना काम किया और अचानक से मुझे ऐसा हुआ कि तैयार हो जाओ और चल दे सॉरी मैंने अंकल को बोला फ़ोन करके आप निकल चुके क्या वहाँ पे पहुँच गए क्या बोले नहीं नहीं अभी तो मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ मैंने कहा मैं आई पाँच मिनट में तो मैं तैयार होकर चली गई और उस दिन संडे था मैं संडे के फास्ट भी रखती थी तो एक दिन अंकल पूछ रहे थे कि अगर संडे के फास्ट वाले दिन तेरे को लंगर प्रसाद मिल गया तो तो मैंने कहा खा लेगी मैंने कहा हाँ बिल्कुल खा लूंगी तो मैंने कहा कि वो तो गुरुजी का अमृत प्रसाद है तो वो क्यों नहीं खाऊंगी और गुरुजी तो व्रत वगैरह में इतना विश्वास रखते भी नहीं थे वो मना ही करते थे और वो तो अमृत है अगर मिल गया तो, तो संगत जी हम दोनों वहां गए सत्संग में जब हम गए तो जाते ही हम बिल्कुल नए थे वहां पे किसी को नहीं जानते थे और हम गए और उन्होंने हमें बुलाया आ, हमने मत्था टेका मत्था टेक बैट के हम बैठ गए बैठने के बाद उन्होंने जब हमें हम दोनों को बुलाया और भोग लगाना था गुरु जी को चाय प्रसाद का या कुछ होगा अंदर उसके वो हमने नहीं देखा तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि अपने माथे के लगाओ और ऐसे करके चलो वो लगाया फिर एक भोग और दिया उन्होंने वो भी हमसे लगवाया आ, तो मैं उसके बाद हम सत्संग सुनने लग गए जब मैं आंख बंद करके बैठी तो मेरे मन में ऐसा आया कि गुरु जी इतना प्यार तो कौन दे सकता है कि हम नए हैं और ऐसा कहीं भी नहीं होता किसी नई संगत को इतना प्यार मिले क्योंकि लोग तो वहमों में ही रहते नए लोग हैं पता नहीं कैसे होंगे कितनी शुद्धि है कितनी नहीं है कैसे हैं मतलब इतना विचार करते हैं और देखो आपके यहाँ आके आपके सत्संग में आके तो इतना अच्छा है कि नया पुराना कुछ नहीं है और इतना प्यार मिला तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा तो फिर वहां पे प्रसाद मिला हमने खा लिया और वहां से सत्संग में जाने की शुरुआत हुई फिर सेकंड फिर फर्स्ट फर्स्ट सत्संग तो संडे को अटेंड किया सेकंड सत्संग भी संडे को अटेंड किया तीन संडे बीते तीनों संडे को सत्संग अटेंड हुआ और तीनों संडे मैंने वो फिर प्रसाद खाया व्रत व्रत आ, का करीब करीब शाम को प्रसाद मिल जाता तो मैं खा लेती थी फिर आ, एक दिन गोवर्धन था उस दिन भी संडे था तो उस दिन कहीं से संगत ने किसी ने बुलाया भी नहीं था और मुझे अपने इन लॉज के यहाँ पे भी जाना था तो उन्होंने बोला कि आ, आ, मैंने सोचा आज गुरु जी क्या होगा आज तो आपका लंगर कहीं से नहीं मिलेगा और आपका लंगर मिलेगा तो मैं खाऊंगी नहीं तो नहीं खाऊंगी तो इतनी भी एक, एक संगत आंटी का फोन आया कि ऐसे ऐसे है न आंटी आप आ जाइए और सत्संग करेंगे तो मैंने कहा आज तो नहीं आ सकती और मेरा फास्ट भी है और मेरे को इन लॉज के यहाँ पे भी जाना है तो बच्चे बोलने लगे देखा आप गुरु को ऐसे मत बोलो कि क्या होगा और उन्होंने आपको बुलाई तो आपको बुला ही लिया देखो प्रसाद तो आपको मिल ही जाता वहां से पर मैं जा ही नहीं सकती थी फिर मैंने उन आंटी को कहा मैंने कहा आंटी आज मेरा फास्ट भी है और मुझे वहां भी जाना है तो वो संगत आंटी ने कहा कि देखो इतना फास्ट वगैरह आप मत रखा करो क्योंकि गुरुजी को भी फास्ट वगैरह से कोई इतना अच्छा नहीं लगता था तो मैंने कहा आंटी बात तो सही है आज मेरे को ना बहुत वीकनेस भी हो रही है तो वो बोली देखो आपको इतनी वीक अच्छा संगत जी मुझे कभी फास्ट में वीकनेस ऐसे नहीं होती थी मैं हमेशा ठीक रहती थी जब मैं फर्स्ट सत्संग में गई थी ना संडे को तो भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना खाऊं क्या आ, ऐसे नहीं लगता था कि खाना है खाना है बट मुझे ये पता था कि प्रसाद है अमृत है तो वो मैंने बड़ी खुशी से खाया था तो वो फिर जब मैंने वीकनेस की बात और उसमें उस दिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बहुत डलनेस और इतनी वीकनेस इतनी वीकनेस तो आंटी ने कहा देखा अब आपको वीकनेस लग रही है वो चीज़ गुरु को कितना मतलब आ, उनके ऊपर इफेक्ट आता उनको अच्छा नहीं लगता तो मैंने कहा अच्छा आंटी ठीक है मैं देखती हूँ क्या करना है तो वो आंटी नहीं बोलती तो मैं अपने फास्ट गिनती भी नहीं और देखा जब गिन के देखा तो वो उतने ही थे जितने मैंने प्लान किया था कि मुझे इतने ही फास्ट करने हैं तो वो गुरु जी का ही आदेश था और वही उन्हीं का ही इशारा था कि भाई तुम देख तो लो कि पूरे भी हो गए हैं या मतलब उन्हें उन्होंने बस इतने ही फास्ट करवाने थे पर वो पूरे हुए और मैंने उद्यापन किया पहले फिर मैं वहाँ अपने इन लॉज के यहाँ गई गोवर्धन की पूजा करी और फिर हमने वहाँ पे प्रसाद खाया तो जय गुरु जी संगत जी होई, के, होई का फास्ट था तो उसके बारे में बताती हूँ जब मैं पहले सत्संग में गई थी तो वहीं पे मुझे संगत मिल मिल गई थी और संगत इतनी प्यारी है गुरु जी की इतना प्यार दिया सभी संगत बहुत प्यारी है और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नई संगत हूं तो उन्होंने बोला कि होई के बर्थ वाले दिन कि यहीं आ जाओ सत्संग भी कर लेंगे और रात को तारों को अर्घ भी दे देंगे तो वो संग वो जो संगत है वो बहुत ज्यादा सत्संग वगैरह मतलब रख लेते हैं कि एक घंटे का दो घंटे का तो तो जब उन्होंने बुलाया तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी कहते हैं कि आप बुलाते हो तो आपकी आज्ञा होती है तभी वहां पहुंच पाते हैं ऐसा है क्या मैंने ऐसे मन में सोचा तो हो ही का फास्ट था जब हम शाम को सत्संग के बाद और तारों को अर्घ देने लगे तो रात का टाइम था सात साढ़े सात या आठ ऐसे टाइम था अंधेरा हो चुका था अच्छे से तो जब हम वहां पे अर्घ दे रहे थे तो रात के टाइम बटरफ्लाई किसी कहाँ दिखती है और संगत जी अब मानना वहां पर बटरफ्लाई आई और ऐसे घूमी और एक एक मैंने देखा सबसे पहले उसके बाद मेरे साथ जो संगत खड़ी थी मैंने फटाफट उन्हें दिखाया और किसी को दर्शन नहीं हुए और वो वहीं से घूम के और वहीं की वहीं मतलब दर्शन खत्म हो गए तो वो गुरुजी ने ये बताया कि हाँ ये बात सच है कि भाई मेरी ही आज्ञा होती है तो जय गुरुजी शुक्राना शुकराना गुरु जी संगत जी, जी शिवपुराण के बारे में बताती हूँ कि आ, जैसे अट्ठाईस सेप्टेम्बर को शुरू करी थी और पुराण में लिखा है कि भाई ये पाठ बहुत ही शुद्ध पवित्र और बहुत महान पाठ है तो इसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए जब इसका उद्यापन हो जाए तो मेरे मन में था और अंकल ने भी बोला था क्योंकि और पापा के ऑपरेशन के टाइम पे भी मैं वो पढ़ ही रही थी तो मैंने सोचा चलो अब ये खत्म खत्म हो गई है तो थोड़ा सा प्रसाद बना के मंदिर में बांटाऊंगी तो संगत जी अंकल की मीटिंग आ गई सुबह हम निकल नहीं पाए तो नहीं निकल पाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि गुरु की का हुक्म है कि भाई वहम नहीं करना अगर कुछ ऐसा होता है तो मन में वहम नहीं लाना मैं बहुत रिलैक्स थी और शाम को एक संगत का उन्हीं संगत का फोन आया कि आंटी आज ना शुकराने का सत्संग होगा और मतलब शुक्राना करेंगे और सत्संग करेंगे मैंने कहा जी ऐसे ही होती रही गुरु जी की बातें तो उन्होंने फिर मैंने बीच में बोला मैंने कहा वैसे शुक्राना तो मेरा भी बनता है क्योंकि भाई आज मेरा शिवपुराण पूरा हुआ है बोली फिर तो आंटी आज आप ही का सत्संग बनता है मैंने कहा अच्छा तो सेवा बोलो तो उन्होंने मुझे छोटी सी सेवा दी कि ऐसे ऐसे बना के ले आना और हम चले गए तो वहां चले गए तो वो गुरु जी की इच्छा थी कि यही होगा सब कुछ क्योंकि शिव महाशिव का काम तो कहते हैं कि शिव की संगत ही जहां सुनने के लिए खुश होती है ना तो वही सब कुछ होना चाहिए तो हम वहाँ गए सत्संग किया तो संगत जी जैसे हम सत्संग में सुनते कि गुरु जी के यहाँ पैसों का आरती वारती में कुछ नहीं चढ़ता ये सब हमें पता था और लेकिन क्या हुआ कि जब आरती आई तो अंकल ने जेब से पता नहीं कई सत्संग हमने अटेंड कर लिए थे पर उस कि भाई पैसे नहीं चढ़ते पर अंकल ने अचानक से जेब में हाथ निकाला और उसमें पैसे चढ़ा दिए तो वो आंटी ने बोला अंकल आपने ये क्या किया ये तो नहीं रखते हैं आरती में हम तो नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता मैंने कहा हमें भी पता था पर पता नहीं आज इनसे क्या हुआ तो उन्होंने ऐसे कहा कि चलो ये भी गुरुजी की मर्जी और उन्होंने कहा कि ये सेवा में कहीं लग जाएंगे और उन्होंने उठा के साइड में रख दिया तो संगत जी जब हम वहां से आज्ञा लेके निकले तो जब मैं गाड़ी में बैठी तो तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि चलो अन्नदान भी हो गया और सत्संग भी हो गया मंदिर के दर्शन भी उनके वहां पे शिवलिंग शिव जी सब उन्होंने इतने अच्छे से दरबार बना रखा है गुरु जी महाराज के इतने अच्छे से स्वरूप लगा रखे हैं तो अच्छे से मतलब मैंने कहा चलो मत्था भी टिक गया सब कुछ हो गया आ, लेकिन दक्षिणा रह गई जैसे कहते हैं कि भाई कुछ भी करो तो बड़ों को दक्षिणा या कुछ भी तो मैं मन मन में सोच रही थी दक्षिणा उस टाइम पे भी मैं सत्संग में भी सोच रही थी दक्षिणा किसको दूंगी ये वही रह गया और तो सब हो गया तो बाद में गुरु जी महाराज ने कहा बहुत देर से दक्षिणा दक्षिणा कर रही थी ना तो वो दक्षिणा थी कि ले तेरी दक्षिणा भी मैंने वो करवा दी वहीं पर तो गुरु जी महाराज का इतनी मेहर है कि अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं अलबत्ता तो इतना उन्होंने अब हमें मतलब रिलैक्स और इतना से दूर कर दिया कि हो गया तो ठीक नहीं हुआ तो गुरु जी की इच्छा हो गया तो गुरु जी की इच्छा तो संगत जी जैसे कि आ, कहते हैं कि गुरु जी महाराज का आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता और उनकी मेहर बहुत पहले से होती है पर वो दर्शन अपने टाइमिंग पे मतलब उनके आते हैं या होते हैं या पता चलते हैं स्वरूप के रूप में भी वो तभी आते हैं जब उनकी आज्ञा होती है तो संगत जी जब आ, मेरा बेटा लास्ट टू लास्ट ईयर ट्वेल्थ में था तो वही बात है पहले तो पंडितों में ही सब कुछ देखते थे उन्हीं से ही पूछते थे तो एक पंडित ने कहा था कि एक एस्ट्रोलॉजर थी डैडी थी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आपके बेटे का तो ये भी नीच का है सूर्य भी नीच का है और इसका तो कितनी भी ये मेहनत करेगा ना तो ये हंड्रेड परसेंट भी मेहनत करेगा तो इसके फिफ्टी परसेंट ही नंबर आएंगे अच्छा अब बताओ कितनी मेहनत करके बच्चे के फिफ्टी परसेंट नंबर आएंगे आप उसको भी बेटे को भी बहुत समझाएगी बहुत मेहनत करनी है तो मैंने कहा कि चलो सब माएँ कुछ ना कुछ करती हैं बच्चों के लिए और तो कुछ पूजा पाठ मुझे आती नहीं थी मैं मंदिर चली जाती थी वहाँ जाके और मंदिर में भी अब तो थोड़ा शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा देती थी नहीं तो पहले बचपन से तो सबने इतना डरा के रखा होता कि शिवलिंग और हनुमान जी की तरफ तो देखना ही नहीं है तो जब वहाँ सब शिवजी पे जल चढ़ाते थे तो मैं दूर से ही और छूती नहीं थी कि अनजाने में कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए ना मैं हनुमान जी की हनुमान जी को भी मैं सिर्फ प्रणाम करके और बस दूर से ही निकल जाती थी तो मंदिर जाती रही जाती रही और बस यही वहाँ विनती करती थी भगवान से कि भगवान कितने भी नंबर आए कैसे भी आए आपको देखना है बस इसका एडमिशन ऐसे कॉलेज में कराना जहाँ इसको दोस्त अच्छे मिले कंफर्ट जोन मिले कोई बुली करने वाला ना हो क्योंकि रैगिंग और टॉर्चर और इससे बच्चा टॉर्चर हो जाता है वो पढ़ने का उसका मन भी करे तो भी वो चीजें खाती हैं उसको अंदर से और पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर पाता डर के मारे तो ये मेरे को ये था कि बस ये जहाँ भी जहां भी पढ़े जिस भी कॉलेज में पढ़े बस ये खुश रहे तो गुरुजी की तो कृपा दृष्टि थी बहुत पहले से तो उन्होंने क्या किया कि इस कॉलेज में जब ये फर्स्ट डे गया इसके 80 परसेंट नंबर आए और जिम्स में इसका एडमिशन हो गया तो जब ये पहले दिन गया तो वहाँ पे तो कॉलेज में भी इसके पांच सात फ्रेंड उसी दिन से बहुत अच्छे से बन गए और इसको वहाँ जाते ही फर्स्ट डे क्लास का सीआर बना दिया था तो ये बड़ा खुश खुश आया तो मैं कई बार खाली बैठती थी तो मैं कहती थी कि मतलब कितनी मतलब कितनी मेहर है मालिक की कि देखो बच्चा परेशान नहीं हुआ और मेरी यही इच्छा थी नंबर भी ठीक ही आए और कॉलेज भी ठीक है तो जब हम स्वरूप लेके आए ना तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा ये वाले गुरु तो मेरे जो जितना मेरा बड़ा ग्रुप है उन सब वो सब इन गुरु को मानते हैं उस दिन मुझे फिर ये एहसास हुआ कि हाँ ये तो गुरुजी की मेहर है क्योंकि मैं आ, आ, जैसे शिवलिंग के रूप में और उस चीज़ के आशीर्वाद में महाशिव ने मुझे यह आशीर्वाद या उनकी दृष्टि थी मुझ पे तो जय गुरु जी शुकराना गुरु जी संगत जी जो जो उनके आशीर्वाद होते हैं उनके बारे में हमें पता चल ही जाता है तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत पकी हूँ कि उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता और इस चीज का मुझे साइन तब मिल भी गया कि भाई संगत तू अच्छी मांगती थी तो देख संगत कैसी मिली है तो इसका बड़ा बहुत भारी भारी बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक का